हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजया क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, अगर आप जो है चाहते हैं कि सर्दियों में आपकी जो बगिया है वो अच्छी बनी भली बनी रहे, उसमें जो है तरह तरह के फूल खिलें, सब्जियां खिलें, तो फ्रेंड्स कुछ तैयारी आपको जो है अभी अक्टूबर से ही चालू कर देनी होगी। कौन कौन सी तैयारी करनी होगी ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपने जो है वो तैयारी अक्टूबर में नहीं करी तो फ्रेंड्स बहुत लेट हो जाएंगे। और सर्दियों में सबके गार्डन में जो है तरह तरह के फूल और सब्जियां खिलेंगे तो आप जो है उनसे पिछड़ जाओगे। तो क्या करना है, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके जो है गर्मियों के जो भी प्लांट्स हैं या फिर रेनी सीजन के जो भी प्लांट्स हैं, अगर सब्जी वाले हैं या फिर फूल वाले हैं, वो अच्छी फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स अब उनको हटा दीजिए आप। और अगर आपके यहाँ पर पानी नहीं बरस रहा है तो उनकी मिट्टी को धूप में फैला दीजिए ताकि थोड़ा सा उनमें हवा लग जाए। और इसके बाद जो है आपके जो भी गमले खाली होते हैं उनको भी थोड़ा सा धूप दिखा दीजिए। अगर आप टेराकोटा के गमले, मिट्टी के गमले यूज करते हैं तो आप जो है उनमें कलर भी कर सकते हैं। कलर में जो है आप चाहे तो टेराकोटा वाला कलर कर लो, आपको जो है जहाँ पर ये पुताई उताई का सामान मिलता है ना, पर कंस्ट्रक्शन का, वहां पर मिल जाएगा टेराकोटा वाला। और नहीं तो जो गेरू आता है वो कर लीजिए, गेरू बहुत सस्ता आता है, आपको 10 रुपए में भी बहुत ढेर सारा मिल जाएगा, तो वो आप कर सकते हैं। और अगर आप जो है प्लास्टिक के गमले यूज करते हैं तो फ्रेंड्स अगर उनका कलर बदरंग हो गया है तो उसमें आप एनामेल पेंट करना। एनामेल पेंट जो होता है ये हम लोग खिड़की दरवाजों में जो यूज करते हैं वो वाला ठीक रहता है। तो इस तरीके से आप पेंट करके प्लांट्स उसको जो है नया फ्रेश गमले में लगाएंगे। टिप नंबर सेकेंड ये है कि आपके यहाँ पे जो भी लोकल नर्सरी है वहां पर जाकर के आप पता कर लो कि वो सर्दियों वाले प्लांट्स कब अवेलेबल कराएंगे। अधिकतर नर्सरियों में जो है ये अक्टूबर और नवंबर तक फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं, तो आप अपने मन मुताबिक प्लांट्स खरीद सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हों। टिप नंबर थर्ड ये है कि जैसे कि हम लोग गर्मियां होती हैं इसमें कम खाद वगैरह डालते हैं, लेकिन जब विंटर प्लांट्स आते हैं काफी सारे प्लांट्स लगा देते हैं गर्मी की कम्पेरेटिवली, तो हम लोग को खाद पानी की भी शॉपिंग करनी होती है। तो आप जो भी खाद वगैरह यूज करते हो तो वो उनकी भी शॉपिंग कर लीजिए। हम जो है जर्नली जैसे कि है गोबर खाद है, बर्मी कंपोस्ट है, बोन मिल है, और नीम की खली, सरसों की खली, ये सब ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हो। और तो बहुत सारी चीजें हमारे किचन में ही निकल आती हैं तो उनको भी यूज करते रहते हैं, मतलब इन सब की मेन शॉपिंग कर लेते हैं। क्योंकि जब प्लांट्स लगाओगे तो सॉइल मिक्स उसमें बनाओगे तो आप सॉइल मिक्स में ही ये चीजें डाल देना, तो वो है कि प्लांट उसको तुरंत एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएगा। और इसको आप पुरानी जो मिट्टी आपकी रखी है ना उसी को कुछ दिन धूप दिखा दीजिए, फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। टिप नंबर थर्ड ये है कि सर्दियों में कौन कौन से फूल और सब्जी वाले बीज आप डाल सकते हो वो आप डाल दीजिए इस समय, क्योंकि अब समय आ गया है फ्रेंड्स। अब लेट कर दोगे तो आपको उचित समय से फूल और सब्जियां नहीं मिलेंगी। इस पर जो है दोनों पर ही हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं कि सितंबर अक्टूबर में कौन कौन सी सब्जियां या फूल वाले बीज लगते हैं, तो आप उनको अब लगा दीजिए। लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो समय से मैच्योर हो जाए, उनको मैच्योर होने का टाइम नहीं मिलेगा तो समय से वो फ्लावरिंग या फिर फ्रूटिंग नहीं करेंगे। क्योंकि अधिकतर जितने भी प्लांट्स हैं उनको जो है 45 डेज तो चाहिए ही होता है एटलीस्ट, हम बता रहे हैं कम से कम चाहता है। तो आप जो है अभी उनको लगा दोगे तो 45 डेज के बाद ही समझना आपको उसमें से फ्लावर या फ्रूट मिलेगा कुछ भी, और दिन और भी टाइम लग सकता है, ये हम आपको मिनिमम टाइम बता रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप अपने गार्डन में कोई भी पत्ते वाली सब्जी लगाते हैं तो उनके भी बीज डाल दीजिए। अगर आपके यहाँ बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो रही है तो, बारिश हो रही होगी तब मत डालिएगा, रुक जाइएगा, क्योंकि बारिश में जो है वो सब खराब हो जाते हैं ओवर वाटरिंग से। आप जो है इस समय पालक है, मेथी है, धनिया है, सरसों का साग है, जैसे बहुत सारी हैं, सोया वगैरह है, बहुत सारी साग आते हैं, वो आप उनके बीज डाल दीजिए, अक्टूबर में ही डाल दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स इन सब जो प्लांट्स हम लोग छोटे वाले लगाते हैं पत्ती वाले ना, तो इनका जो है बहुत होता है लाइफ साइकिल जो होती है 3 महीने की रहती है मैक्सिमम, 3 महीने में ये मैच्योर हो जाते हैं और फिर बीज बनाने लगते हैं। जब बीज प्लांट बनाने लगते हैं तो उनकी पत्तियां हार्वेस्ट करने से कोई बहुत मजा नहीं आता है, उसमें वो जो है खुशबू और जो है उतना टेस्ट भी अच्छा नहीं रहता है। तो अभी जो है आप इनको लगा दोगे तो ये अच्छे से ग्रोथ करेंगे, आप जो है समय रहते ही इनसे पत्तियां वगैरह ले सकते हैं। कुछ नहीं, ये इमीडिएटली आप कुछ दिन बाद ही रेडी हो जाते हैं, इनसे आप इनकी पत्तियां वगैरह को यूज कर सकते हो।
आपने अगर एडीनियम लगाया हो तो फ्रेंड्स इस समय जो है एडीनियम की भी आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं और प्रूनिंग भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज को ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग और प्रूनिंग दोनों चीजें जो है एक साथ मत करिएगा, क्योंकि प्लांट को शॉक लग जाता है, झटका लग जाता है। तो एटलीस्ट इन दोनों में आप 15 दिन का 15 डेज का अंतर करके रखिएगा। जैसे आपने रिपोर्टिंग कर दी एडीनियम की तो आप जो है 15 दिन बाद उसकी कटाई छटाई कर सकते हो। हमें जो है इधर अक्टूबर में कटाई छटाई करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सर्दियों के समय प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है और जैसे ही फरवरी आती है उसमें तुरंत जो है नई नई पत्तियां निकलने लग जाती हैं और फिर वो जो है बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप जो है इस समय गुलाब की भी जो है कटाई छटाई अब कर सकते हो अक्टूबर में। और कटाई छटाई करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, कटाई छटाई करते समय और कटाई छटाई के बाद, इस पर जो है मेरा एक ऑलरेडी वीडियो बना है, आप उसको देखिएगा और फॉलो भी करिए दोस्तों, जरूर फायदा होगा उससे आपको। क्योंकि आप जो कटाई छटाई करोगे अगर कुछ चीजों की लापरवाही कर दोगे तो आपके प्लांट में फंगस भी लग जाती है। हाँ, फंगस से जो है एक चीज का और हमें ध्यान आया कि इस समय जो है हमारे गार्डन में काफी सारे कीड़े मकोड़े एक्टिव हो गए हैं, काफी सारी फंगस आ गई है। बचने के लिए कुछ चीजें आपको इमिडिएटली अपने गार्डन में रेडी रखनी पड़ेंगी, जैसे कि फ्रेंड्स सोप सॉल्यूशन रखिए। देखिए सबसे पहले ट्रीटमेंट आप जो है पानी से करना, उससे नहीं जा रहा है तो आप सोप सॉल्यूशन लो, नीम ऑयल का यूज करो, नीम की खली को यूज करो। नीम की खली से तो आप मिट्टी के अंदर की जो फंगस होती है उसको भी दूर कर सकते हैं। और साथ अच्छा हाँ, एक चीज मेरे किसी फ्रेंड ने पूछा था कि सरसों की खली की जगह नीम की खली यूज कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि नीम की खली की बहुत ज्यादा मात्रा जो होती है प्लांट में खराब कर देती है। तो आप जो है सरसों की खली जो है ये आप हर 10-12 दिन में भी यूज कर सकते हो, लेकिन नीम की खली ऐसा नहीं कर सकते हो। नीम की खली को जो है महीने में ही एक बार यूज करिए, ज्यादा अच्छा है वो। तो इस चीज का आप ध्यान रखना कि आप नीम की खली को भी यूज कर सकते हो फंगस की जगह। अगर जो है आपको आपके एरिया में बवस्टीन पाउडर है या फिर साफ जो पाउडर मिलता है फंजीसाइड वगैरह, तो इसको भी आप ले सकते हो, यूज कर सकते हो ये सब चीजें। और इसमें आप ये मत वेट करना कि आपके गार्डन में फंगस आए या फिर कीड़े मकोड़े आए तभी आपको यूज करना है। आप जो है प्रिकॉशन के रूप में ही जो है हर 10-15 दिन में भी इन सबका स्प्रे कर दो अपने प्लांट्स में, क्योंकि इस समय जो है अब बहुत ज्यादा फंगस वगैरह वायरस वगैरह जो भी हैं वो सब एक्टिव हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों ये है कि आपके जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो कि फूल देते थे गर्मियों में और बरसात में, यहाँ हम परमानेंट की बात कर रहे हैं, आप चाहो तो उनकी भी कटाई छटाई कर दो। आप थोड़ा सा ज्यादा कटाई छटाई कर दो उनकी, क्यों, और उनको जो है डोरमेंसी में डाल दो, रेस्ट पीरियड में डाल दो, ताकि वो नेक्स्ट सीजन के लिए तैयार हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस समय कटाई छटाई करना है। आप मोगरा की भी आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि स्पेशली इसी समय, जैसे मधुमालती वगैरह हैं जो इसी समय स्पेशली आपके फ्लावरिंग करते हैं ये जो बरसात में, इन समय इन सबकी कटाई छटाई कर दीजिए। और दोस्तों जो भी इसका वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको सबको कंपोस्टिंग में डाल दीजिए। कंपोस्टिंग पर अब जो है थोड़ा सा, अगर सर्दियां आती हैं तो इन सब में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, तो कंपोस्टिंग का प्रोसेस आपका स्लो हो जाएगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितनी जल्दी आपको दूसरी कंपोस्टिंग अपनी लगानी है तो वही लगा लीजिए। फूलों के संग जो है सब्जियां जरूर लगाइए, क्योंकि फूल जो होते हैं वो आंखों की सुंदरता के लिए रहते हैं और जो सब्जियां होती हैं वो हमारे शरीर के लिए रहती हैं। कभी भी ये चीज मत सोचिएगा कि हमारे यहाँ जगह कम है, हमारे यहाँ सुविधा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये हमारे यहाँ सनलाइट नहीं आती, ऐसी चीजों को बिल्कुल मत सोचिए। बहुत सारी सब्जियां ऐसी भी हैं जो कि कम सनलाइट में और कम देख रेख में जल्दी फ्रूटिंग भी करती हैं, उस सब पर भी हम कभी मौका लगेगा तो वीडियो बनाएंगे। फ्रेंड्स ये सब छोटी छोटी सी टिप्स थी जो कि आप अपने सर्दियों के गार्डन के लिए अपना सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके जो सर्दियों में जो विंटर में फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो अच्छे से खिले, फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।